हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IAS। मैं हूं प्रज्ञा मित्तल एंड आप मेरे साथ पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट एंग्लो सिख वॉर्स, कि कैसे ब्रिटिशर्स पंजाब को अनेक्स करते हैं और अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं, और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जब रंजीत सिंह का बर्थ हुआ उस टाइम पर 12 इंपॉर्टेंट मिसल्स थी। मिसल्स का कंसेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर ये इस्टेब्लिश करने का बात करती है पंजाब पर, कि छोटे छोटे टुकड़ियों में ये अपना कंट्रोल रूल इस्टेब्लिश करने की बात कर रही होती है। इधर 12 मिसल्स के नाम दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। जो रंजीत सिंह है वो सन है मदन सिंह के, और जो मदन सिंह थे वो लीडर थे शुक्राचार्य मिसल के। जब मदन सिंह की डेथ होती है उस टाइम पर रंजीत सिंह 12 साल के थे, बट जो रंजीत सिंह है उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी उनमें लीडरशिप स्किल्स थी कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर कर सके, एक लीडरशिप अपनी इस्टेब्लिश कर सके। जब 18th सेंचुरी ख़त्म होने वाली होती है उसी टाइम पर इन 12 मिसल्स में से 11 मिसल्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ये ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। जो एक मिसल थी जिसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ, दैट वॉज शुक्राचार्य मिसल। इसी टाइम पर अफगानिस्तान में भी एक सिविल वॉर चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, पावर स्ट्रगल की वॉर चल रही थी कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, पावर किसके हाथ में जाएगी, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, जिसका फ़ायदा उठाया रंजीत सिंह ने। जो रंजीत सिंह की पॉलिसीज थी उसका नाम दिया गया है एक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसके चलते उन्होंने सेंट्रल पंजाब का जो एरिया है उसके ऊपर अपनी किंगडम तक इस्टेब्लिश कर दी। रंजीत सिंह को गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? जमान सिंह, जो कि रूलर थे अफगानिस्तान के। इसके बाद रंजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर, अमृतसर, इनको भी अक्वायर कर लिया, और लाहौर को अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बना दी और अमृतसर को अपनी रिलीजियस कैपिटल के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया। उनके रिलेशंस दूसरी फॉरेन पावर से भी काफ़ी अच्छे रहे थे, जैसे कि डोगराज, नेपालीज, क्योंकि जो इन कंट्री के लोग थे उन्होंने अपने आर्मी में इन लोगों को जगह दी। तो अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रंजीत सिंह की पॉलिसीज़ को एनालिसिस किया जाए, तो आपके पास तीन पॉइंट्स इधर सीधा सीधा दिख रहे हैं। दैट वाज फर्स्ट पॉइंट कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत रूथलेस पॉलिसी थी, बहुत हार्श पॉलिसीज़ थी, क्योंकि जो उनकी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसीज़ थी वो कहते थे या तो खून दो या अपनी जान से हाथ धो बैठो। दूसरा जो उनका पॉइंट था कि उनके रिलेशंस दूसरी फॉरेन पावर से भी काफ़ी अच्छे थे, जिसके वजह से उनका एक फ्रेंडली नेचर भी इधर रिफ्लेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट कि जो उनका ऑरा था, जो उनकी लीडरशिप थी, कि वो अक्वायर करना चाहते थे बहुत सारी टेरिटरीज, जो भी चाहते थे कि हमारी टेरिटरी के अंदर उनकी जो पंजाब की किंगडम थी वो बहुत स्प्रेड हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो तीनों पॉइंट्स आपको डायरेक्टली इधर से मिल रहे हैं। इसी टाइम पर फॉरेन इन्वेजन का भी डर था, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी, रशियन इन्वेजन, नेपोलियन बोनापार्ट की इन्वेजन, जिसके चलते जो ब्रिटिश मैन थे उनके जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक नेगोशिएशन के तौर पर रंजीत सिंह के पास एक फरमान भेजा। बट जो रंजीत सिंह की कंडीशन थी वो यह थी कि अगर बाय चांस सिख और अफगान के बीच में कोई वॉर हो जाता है तब इंग्लिश न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश हमेशा से ही अपोजिट पार्टी का साथ देते हैं। जैसे कि कमज़ोर पार्टनर होता है, ब्रिटिशर्स हमेशा ही उसको फेवर करते हैं ताकि अपनी टेरिटरीज को वो अनेक्स कर सके। और उस ट्रीटी में ये भी कहा गया कि जो रंजीत सिंह है उनका सॉवरन राइट होगा पूरे पंजाब के ऊपर, जिसमें मालवा से लेकर सिंध सतलुज टेरिटरीज तक इंक्लूडेड होंगे। बट ये नेगोशिएशंस फेल हो गई, इंग्लिश ने इन शर्तों को नहीं माना। इसी टाइम पर नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था और इंग्लिश मैन वो रंजीत सिंह के साथ और ज़्यादा फोर्स करने लगे कि आप हमारे साथ कोई ट्रीटी पर आओ, जिसके चलते रंजीत सिंह को साइन करनी पड़ी एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809 में। तब हम देखेंगे कि इस ट्रीटी के प्रोविजंस क्या क्या थे। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है,
क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि जो जो अंबिशन थे रणजीत सिंह के, कि वो कैसे अपना रूल एक्सटेंड करना चाहते हैं, पूरे नेशन को सिख नेशन के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जहां पर माना जाता है कि जो उनका एरिया होगा दैट विल बी फ्रॉम द रिवर सतलुज, जो सतलुज रिवर है वो उनकी बाउंड्री फॉर्म करेगा, तो वो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का, उसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। जब ब्रिटिशर्स के साथ उनकी ट्रीटी साइन होती है, जब उनको लगा कि ब्रिटिशर्स उनको पावर इस्टेब्लिश नहीं करने देंगे, तब उन्होंने अपनी जो एनर्जी है, उन्होंने अपना जो फोकस है वो इस्टेब्लिश किया वेस्ट की तरफ। वहाँ पर उन्होंने मुल्तान को कैप्चर किया, कश्मीर को कैप्चर किया और पेशावर को कैप्चर कर लिया। तभी पेशावर इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। जब फॉरेन इन्वेजन का खतरा और ज़्यादा बढ़ने लगा, तब ब्रिटिशर्स के ऊपर और प्रेशर बढ़ने लगा, जिसके चलते पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते रणजीत सिंह को ट्रिपार्टाइट ट्रीटी साइन करनी पड़ी इंग्लिश के साथ, जिसमें कहा गया कि उनको कोई भी पैसेज नहीं दिया जाएगा सतलुज के थ्रू, जहाँ से वो अटैक कर सकते हैं दोस्त मोहम्मद को, जो कि एक अफगान आमिर थे। जो रिलेशंस थे रणजीत सिंह के कंपनी के साथ, वो एक क्लियरली दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स रणजीत सिंह को हमेशा इन्फ्लुएंस कर रहे थे और अपनी ट्रीटी साइन करवा रहे थे। नो डाउट रणजीत सिंह को पता था कि उनकी वीक पोजीशन है, बट उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया जहां पर वो अपनी एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सके, जहां पर वो एक कोलेशन इस्टेब्लिश कर सके दूसरे इंडियन प्रिंसेस के साथ, कि दूसरे लोगों को भी इंक्लूड कर सके और अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर सके। एज सच उनमें कोई भी पावर हमें क्वालिटी नहीं देखने को मिली। रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है इन जून 1839 में, और जब उनकी डेथ हो जाती है, इसके साथ ही जो उनका विजन था, जो उनका एम्बिशन था कि पूरे नेशन को सिख नेशन में बनाने का, वो ख़त्म यहीं पर हो जाता है, और जो उनका एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पंजाब की क्या सिचुएशन थी रणजीत सिंह के बाद। जो रणजीत सिंह थे वही एक लेजिटिमेट सन थे और सक्सेसर थे खड़क सिंह के, जो उनके बाद आगे लीडर्स जो भी आते हैं, जो भी उनके सन्स रहे थे, वो बहुत वीक थे, इतने एफिशिएंट नहीं थे। उनके खुद के बीच में इतनी ज़्यादा डिविजन्स आई हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स आए हुए थे, जिसके चलते जो एम्पायर था वो डिक्लाइन स्टेज पर और तेज़ी से बढ़ने लगा। जो प्रिंस थे नव निहाल सिंह, उनकी भी अचानक से डेथ हो जाती है, जो कि सक्सेसर थे रणजीत सिंह के। तभी जो थ्रोन ऑफ लाहौर था कि कौन इसको कैप्चर करेगा, यहाँ पर भी पावर स्ट्रगल देखने को मिलती है, और इसी का फायदा उठाया इंग्लिश मैन ने। उन्होंने हमेशा से ही इस वीक पॉइंट का फायदा उठाया। जो रणजीत सिंह के जर्नल थे, अगर बाय चांस उनके पास अथॉरिटी होती वो कंट्रोल कर लेते लाहौर को, बट उनकी भी डेथ हो गई, जिसकी वजह से एक बहुत वॉर स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिल रही थी। बट जो लाहौर की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप हमेशा से ही ब्रिटिशर्स के साथ चला कर रखी, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश के जो ट्रूप हैं वो हमारी टेरिटरी से जाकर अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं। जब जब अफगानिस्तान से ब्रिटिशर्स को हरा दिया था इन फर्स्ट एंग्लो वॉर के चलते, तब उस टाइम पर इंग्लिश को बहुत इंसल्ट फेस करनी पड़ी। इसका बदला लेने के लिए जब उनको वापस अफगानिस्तान के लिए जाना पड़ा, तब उनको पंजाब के थ्रू रास्ता दिया गया। तो दैट वॉज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो कि लाहौर गवर्नमेंट इस्टाब्लिश किए हुए थे ब्रिटिश आर्मी के साथ। अब हम देखते हैं कि एंग्लो सिख वॉर का कैसे स्टार्ट होता है, क्या उसका बैकग्राउंड होता है और ये क्यों होता है। ये उस टाइम पर होता है जब सिख आर्मी क्रॉस कर रही होती है रिवर सतलुज, तब इंग्लिश को लगता है कि ये इस जगह से क्यों आ रही है, यहाँ पर तो सिर्फ हमारे सॉवरन राइट्स हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश में डिक्लेयर कर देते हैं वॉर। और जो एनआरके चल रही थी लाहौर किंगडम में, क्योंकि वहाँ पर डेथ हो जाती है महाराजा रणजीत सिंह की भी, जिसकी वजह से पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिलती है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी दूसरे कोर्ट फैक्शंस है, वो हमें इधर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कोई भी लीडर वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं होता, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ब्रिटिशर्स, जिसके चलते वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की घोषणा कर देते हैं। जो इंग्लिश मैन थे वो सस्पिशियस भी थे, और जो सिख थे वो खुद में ही डाउटफुल थे कि कैसे हमें मिलिट्री के इन कैंपेन्स को लड़ना है और कैसे हमें इंग्लिश को अपनी टेरिटरी से दूर भगाना है।
क्योंकि जो इंग्लिश के मिलिट्री कैंपेन्स चल रहे थे उसमें वो ग्वालियर, सिंध, अफगानिस्तान को कैप्चर करने की बात कर रहे थे। और जो ब्रिटिश के ट्रूप्स थे वो भी स्टेशन होते जा रहे थे एट द बॉर्डर ऑफ लाहौर, और जो लाहौर की किंगडम थी उसको भी खतरा महसूस होने लग गया था। ये वॉर स्टार्ट होता है 1845 में और ख़त्म होता है 1846 में। जो इसमें ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो सिख्स के ट्रूप्स थे, जो सिख की आर्मी थी, वो भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि जो लाल सिंह ने उन्होंने कमांड संभाली थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। बट जो लाल सिंह थे और जो तेजा सिंह थे उनकी वजह से उनको काफ़ी हार भी फेस करनी पड़ी ब्रिटिश मैन से, एंड उनकी हार होती है एट मुकदी, बुदेवाल, ऐवाल, ये जगह के नाम हैं जहाँ पर डिफीट उनको फेस करनी पड़ी। और इसी के चलते जो लाहौर है वो ब्रिटिश आर्मी के पास चला जाता है 1846 में। इसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर और इसी के साथ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी ख़त्म होता है। ये एक बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है जो कि साइन की जाती है 1846 में। अब इस ट्रीटी के क्या क्या प्रोविजंस हैं, यहाँ पर कहा गया था कि जो वॉर इंडेमनिटी है वो 1 करोड़ रुपए से भी कहीं ज़्यादा है और जो सिख है उसको, इंग्लिश मैन को, इतना परसेंट देना होगा। जो जलंधर दोब था, जो कि एरिया है बिटवीन द ब्यास रिवर एंड द सतलुज रिवर, वो अनेक्स कर लेगी, वो कंपनी के पास चला जाएगा। और एक ब्रिटिश का रेजिडेंट वो परमानेंटली इस्टेब्लिश हो जाएगा लाहौर में, जो कि लीडर होंगे अंडर हेनरी लॉरेंस। जो सिख आर्मी की स्ट्रेंथ थी उसको भी कम किया जाएगा और जो दिलीप सिंह थे उसको बना दिया जाएगा एज द रूलर ऑफ पंजाब, जो कि अभी माइनर सन थे। इसके चलते जो रानी जिंदन थी वो एक्ट करेंगी इनकी रेजिडेंट एंड लाल सिंह एक्ट करेंगे एज अ वजीर। अब एज अ सिख इतने कैपेबल नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कैसे वॉर इंडेमनिटी ब्रिटिशर्स को दें। इसलिए जो कश्मीर था, जहाँ पर जम्मू भी उसमें एरिया इंक्लूड था, वो एरिया पर्टिकुलर गुलाब सिंह को दिया जाता है एंड कहा जाता है कि उसको 75 लाख कंपनी को देने होंगे एज द प्राइस। जब ट्रांसफ़र किया जाता है कश्मीर गुलाब सिंह को, तब इसके लिए भी एक सेपरेट ट्रीटी साइन करते हैं इंग्लिशमैन, उनको होता है कि ये एरिया भी हमारे अंडर आ जाए। सो दैट वॉज अबाउट आर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब हम देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर क्या था। जब डिफीट हो जाती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में और बहुत ह्यूमिलेटिंग प्रोविजन साइन करने पड़ते हैं सिख को, जहाँ पर उनको अपनी टेरिटरीज भी देनी पड़ती है और इतनी भारी भरकम वॉर इंडेमनिटी भी देनी पड़ती है, और जो रानी जिंदन थी जो कि एक्ट कर रही थी रेजेंट के तौर पर, उनको भी ब्रिटिशर्स बाद में एज अ पेंशनियर बाहर से उतर भगा देते हैं, ताकि जो पंजाब है वहाँ का कोई भी रूलर नहीं रहे, ना कि कोई एज अ रेजिडेंट रहे, ना ही कोई माइनर सन रहे, जिसकी वजह से बहुत गुस्सा भर जाता है सिख के लोगों में। जो सिख के मूल राज थे, जो कि गवर्नर थे मुल्तान में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ब्रिटिशर्स रानी जिंदन को के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती है और उनको अपने टेरिटरी से कैसे निकाल सकती है। जो मूल राज है, इसी के चलते उन्होंने ब्रिटिशर से रिवोल्ट किया और उनके 2 इंग्लिश ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया। शेर सिंह आते हैं फिर, ताकि वो वोट को, जो रिवोल्ट चल रहा है उसको सप्रेस कर सकें, बट उन्होंने धीरे धीरे मूल राज को ही ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से एक मास अपराइजिंग स्टार्ट होती है मुल्तान में। और यही एक इमीडिएट कोज होता है जब मास अपराइजिंग, लोगों में कॉन्शियस बढ़ता है, जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स को अपनी धरती से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी सिक्स के साथ साइन कर चुके हैं। इस टाइम पर चेंज हो रहे होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट वाज लॉर्ड डलहौजी आ चुके होते हैं, जो कि एक हार्डकोर एक्सपेंशनिस्ट थे। मतलब वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर पूरा एरिया हमारे अंडर आ जाए, और इसके चलते उन्होंने पंजाब को अपने अंडर कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी आते हैं पंजाब में और 3 बैटल फाइट होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से थे? बैटल ऑफ रामनगर, जो कि लीड कर रहे थे सर ह्यूज घोष,
जो कि कमांडर इन चीफ थे कंपनी के। दूसरा जो बैटल होता दैट वॉज बैटल ऑफ चिल्हनवाला जो होता है साइन 1849 में। तीसरा जो बैटल था दैट वॉज बैटल ऑफ गुजरात जहाँ पर सिख आर्मी को सरेंडर करना पड़ा एट रावलपिंडी, एंड जो अफगान की अलाइंस थी उसको भी इंडिया से बाहर निकाल दिया गया। जो रावलपिंडी है एक गुजरात की टाउन है जो कि रिवर झेलम के किनारे पर स्थित है। तो इस तरह से सिख आर्मी की फिर से डिफीट हो जाती है। क्या रिजल्ट आता है इस वॉर का? जो सिख आर्मी है और जो शेर सिंह से वो सरेंडर कर देते हैं और जो पंजाब है ब्रिटिशर्स उसको दोबारा अनेक्स कर लेते हैं। तीन बोर्ड मेंबर यहाँ पर कमेटी फॉर्म होती है जिसमें प्रोविजन दिए जाते हैं कि पंजाब को कैसे कैप्चर करना है। जो जो इसमें पार्टी के मेंबर्स है दैट वॉज लॉरेंस ब्रदर्स जिसमें हेनरी लॉरेंस एंड जॉन लॉरेंस एंड द चार्ल्स मैनसल्स। तो ये तीन मेंबर बोर्ड कमेटी जो फॉर्म होती है उन मेंबर्स के ये नाम हैं। 1853 में इस बोर्ड को ख़त्म किया जाता है एंड जो पंजाब है वो आ जाता है अंडर चीफ कमिश्नर और जॉन लॉरेंस बनते हैं फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। वी विल लुक कि क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं एंग्लो सिख वॉर्स के। जो एंग्लो सिख वॉर है इससे पता चलता है कि कैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पर शोकेश की जाती है। एक तरफ तो सिख एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो रहा था उस टाइम पर वो ब्रिटिशर्स को लॉयल्टी दे रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ थे उस वॉर पर। तो जिसकी वजह से ये वॉर चलता है टिल द इंडियन गेट इंडिपेंडेंस दैट वॉज इन 1947 तक। तो ये दो साइड दो फेसेस हमें देखने को मिलते हैं सिख वॉर के, एक तरफ वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे और दूसरी तरफ वो ब्रिटिशर्स का साथ भी दे रहे थे इन 1857 रिवॉल्ट में। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी थ्रू द लिंक गिवन बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।